भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ता, आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोयला वैशाख का आनंद है, असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है, ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में विशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडू हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में
क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है, नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना दो महीना ये चीजें संभालना, ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग के हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो,
ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है, 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है, अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले। इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था। आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में
बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है, मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं, टेक्नोलॉजी भी सीख रही है, और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्तापित हो जाएगी, वो धुरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को
खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी, फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। हमारे मछली पालक साथियों को सी वीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। साथियों, देश में जनजातीय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाना तय किया है। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी।
डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल ये इस देश का गौरव है, हमारा गौरव है। तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी, प्रयास करेगी। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, हॉयसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अभी एक ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिज्म के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं। ये टूरिज्म डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसके आधार पर अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक्ट करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और विदेशी टूरिस्टों को भी आकर्षित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है। टूरिज्म वो सेक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। टूरिज्म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है। भाजपा इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा। भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आर्थिक मदद देने की योजना बनाकर आएगी। साथियों, 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाईवेज के पास उनको सफिशिएंट रेस्ट मिले, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर सफर के दरमियान हाईवे पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो,
तो उसको मिले। तो ऐसे बारीक बारीक अनेक क्षेत्रों को ढूंढ करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वॉटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। हम सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ONDC ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ONDC और टेलीमेडिसिन का विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबूती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गति भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बड़ा होगा, यानी स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। ये भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। हमारे देश में अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को पहले की सरकारें चुनौती माना करती थी, भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। हम देश में नए नए सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है। अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब 1000 से ज्यादा नए विमान का ऑर्डर दिया हुआ है भारत ने। वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे। पायलट, एयरलाइन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इससे जुड़ा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए अवसर क्रिएट किए होंगे। ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है। अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो,
एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं, इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोवर्धन हो, बायोफ्यूल हो, सभी क्षेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दस साल पहले एक साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, एक साल में 2000, जबकि पिछले ही साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और ई व्हीकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी, जैसे पीएम सूर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुफ्त में ट्रैवलिंग, उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे, और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता
अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र, भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम
ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।